شاهد افريدي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثانك يو मैं सिर्फ मैं अपनी बैटिंग की तरह छोटी सी बात करूंगा आप लोगों से। मैं हमेशा जो कश्मीर की बात करता हूं, कश्मीर की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे खून में है और खून में क्यों है, क्योंकि आजाद कश्मीर के बड़ों ने मेरे दादा को अब्दुल बागी साहब पीर और भूटान शरीफ को 1949 में गाजी कश्मीर का लकब दिया है, तो इसलिए मैं कश्मीर के साथ हूं, मैं हर जालिम के खिलाफ हूं, मजलूम के साथ हूं। बात कश्मीर की नहीं है, बात इंसानियत की है। दुनिया के किसी कोने में भी जुल्म होगा, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान उनके लिए हमेशा आवाज उठाएंगे जुल्म के खिलाफ। और सिर्फ सिर्फ जुल्म मुसलमानों पे क्यों हो रहा है? असल सवाल पूछने वाला ये है यूनाइटेड नेशन और बड़ों से कि मुसलमानों पे जुल्म क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? तो हम सबको होशियार हो जाना चाहिए, हम सबको एक कौम बनना चाहिए। जब तक हम एक बात याद रखना मेरी जान, जब तक एक कौम नहीं होंगे ये लोग हम पे इसी तरह जुल्म करते रहेंगे। हमने एक कौम बनना है। मैं बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को जिन्होंने दुनिया में आवाज फैलाई, और खास तौर पे जिनका बहुत अहम रोल है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको बड़ी अच्छी तरह उन्होंने किया है। थैंक यू सो मच। इसी तरह जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहना। थैंक यू।